फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मखाना पीनट बर्फी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड से मैं आज मैं बना रही हूँ। और इसे आप नवरात्रि में या कभी भी ओकेजन पे किसी पे भी खा सकते हैं। ये व्रत में भी आप आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है जो व्रत में ना खाया जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए इस डिश को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं मखाने। मखाने मैंने ये एक बड़ा बाउल लिया है, आपको जितनी बनानी है आप उतनी ले सकते हैं। और मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है, ताकि हम इनका पाउडर बना सकें। उसके बाद मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने नारियल पाउडर लिया है, एक कटोरी मैंने चीनी ली है, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, थोड़े से मैंने पीनट्स लिए हैं, इनको भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और अच्छे से मैंने इनको पील कर लिया है। और फ्रेंड्स, 1.5 ग्लास मैंने मलाई वाला दूध लिया है, जो हमारे घर में नॉर्मल मिल जाता है। जो भी आप नॉर्मल दूध गर्म करते हैं, आप उसमें उसकी सारी मलाई ले लीजिए और थोड़ा सा दूध ले लीजिए, तो आपका ये मलाई वाला दूध रेडी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो ये ड्राई रोस्ट कर लिए थे मखाने, इनको मैं ग्राइंडर से पीस लूंगी। चलिए इनका पाउडर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मखाने से मैंने पाउडर बना लिया है, देखिए कितनी अच्छे से बन गया है। आप ड्राई रोस्ट जरूर कीजिएगा इनको, ताकि अच्छे से आपका पाउडर बन जाए। चलिए अब हम पीनट का भी पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पूरे बाउल से हमें आधा बाउल हमें मखाने का पाउडर मिल गया है। चलिए अब हम पीनट्स का भी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पीनट से भी हमने पाउडर बना लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया, और देखिए कितना सारा हो गया है। पूरा बाउल पीनट्स नहीं थे, लेकिन देखिए ऊपर से बिल्कुल फुल हो गया है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक पैन को ले लेना है और गैस को ऑन कर लीजिए, और हमें इस दूध को जब तक पकाना है जब तक कि ये आधा नहीं हो जाता जितना है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ये मलाई वाला दूध अपना डाल लिया है, और हम इसे जब तक चलाएंगे जब तक ये आधा नहीं हो जाता। मलाना शुरू हो गया है अच्छे से। चलिए अब हम इसे बनने देते हैं, और तब तक बनने देते हैं जब तक ये आधा नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें केसर का दूध इसमें डालूंगी। इसमें मैंने केसर डाल ली थी थोड़ी सी दूध में, तो ये देखिए केसर का मैंने ये बना लिया है दूध। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल दूंगी, जिससे कि मेरी बर्फी का कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। आप चाहें तो, अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें कलर फूड कलर भी डाल सकते हैं। जो भी आपका मन करे आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप केसर का दूध इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। चलिए अब इसी स्टेज पर हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा हमारी बर्फी पर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दूध है वो आधा हो चुका है। चलिए इसी स्टेज पर जो हमने मखाने लिए थे और उनका पाउडर बना लिया था, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। जो हमने पीनट्स को लिया था उनको इसमें ऐड कर लेंगे, और इसी स्टेज पर गाइस हम इसमें नारियल पाउडर भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे, और इसी स्टेज पर मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर दूंगी। हमारा जो बैटर है वो कितना थिक हो चुका है। इसी स्टेज पर जो हमने चीनी ली है वो इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। अच्छे से इसको मिक्स करके पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 चम्मच दूध और लिया है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारी बर्फी के बैटर पर। चलिए फ्रेंड्स, इसे बस 2 मिनट के लिए हमें और पकाना है, ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होकर के इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। चलिए 2 मिनट के लिए और बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं, और प्लेट को अच्छे से हम घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिसमें हमें इसको निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से, और अब इसे हम चारों तरफ से इसको फैला लेंगे इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको फैला लिया है, और देखिए फ्रेंड्स, ये आपको इसमें घी भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मलाई वाला दूध लेंगे वो अच्छे से घी आराम से छोड़ देगा चिकनाई। तो आप इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कीजिएगा, जो भी है आप इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताई है। बहुत इजी मेथड है और बहुत अच्छे से बन करके ये तैयार हो जाएंगी। चलिए अब इसे हम जमने के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 2.5 घंटे के लिए हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बर्फी कैसे बनकर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पीनट मखाना बर्फी बनकर के तैयार है, और देखिए दिखने में कितनी यमी
यमी लग रही है और कलर कितना प्यारा आ गया है हमारा केसर डालने से। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर पर और इस तरह से आप नवरात्रियों में बना करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है और कम मीठे की है क्योंकि नवरात्रियों में ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है, तो आप इस तरह की कम मीठे वाली बर्फी बना करके खा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।